बड़ी खबर आ रही है यूपी के फिरोजाबाद से। पटाखे की फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नौशहरा का यह मामला बताया जा रहा है और अभी तक दो लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया है। और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशांत उपाध्याय खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रशांत, कैसे यह हादसा हुआ है, कितने और लोग दबे हुए हैं मलबे में, अभी क्या जानकारी मिल रही है, डिटेल्स बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से एक हादसा हुआ है, अवैध फैक्ट्री चल रही थी और आसपास के जो घर थे विस्फोट के कारण वो घर जो है वो गिर पड़े और उसके बाद इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तो मौके पर पहुंच गया है। राहत कार्य बचाव कार्य जारी है, दो लोगों को बचाया जा सका है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ये कई बड़े सवाल है जो प्रशासन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जी आयुषी जी, प्रशांत, कितने लोग उस वक्त काम कर रहे थे इस फैक्ट्री में, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई और कितने लोग अभी भी दबे हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी रात के वक्त जो हादसा हुआ है, वहाँ फैक्ट्री के अंदर तो बताया जाता है कोई नहीं था, लेकिन जिस तरह विस्फोट हुआ घरों में लोग मौजूद थे और जो घर गिरे हैं उसमें कितने लोग दबे हैं इसकी अभी आशंका व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन एक अनुमान से माना जा रहा है कि 10 से 12 लोग हो सकते हैं जो इसके नीचे दबे हों, लेकिन प्रशासन अभी कुछ नहीं कह रहा, रात का बचाकर लगातार जारी है। ठीक है, धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिरोजाबाद का ये पूरा मामला, अचानक से पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें विस्फोट हुआ है, दो लोगों को गंभीर हालत में अभी निकाला गया है और अभी भी कई जो लोग हैं वो मलबे में दबे हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।